देखिए अबरार भाई को मच्छी मिल चुकी है फाइनली काफी टाइम के बाद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखिए मच्छी मिल चुकी है फाइनली। अभी बड़े साइज के ने इसका मार्केट में कितना कितना प्राइस आएगा? इसका मार्केट में 70-80 रुपया। 70-80 रुपया? अच्छा, तो इसका 70-80 रुपया आ सकता है मार्केट में। इलियास भाई कह रहे हैं, आप लोग देख सकते हो ये मच्छी पकड़ रहे सब यहाँ पे सागरधर के ब्रिज पे। एंड वो वहाँ पे अपना गांव है सागरधर, एंड सागरधर का ब्रिज, एंड इस साइड कातेवेली है। और हमारे साथ है इब्राहिम और अम्मार, ये हमारे सब्सक्राइबर है। भाई लोग कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, तो हमारी वीडियो देखते क्या आप लोग? देखते हैं भाई। अच्छा, तो ये हमारे सब्सक्राइबर है और ये हमारा छोटा सब्सक्राइबर है, ये अम्मार है और इब्राहिम है। चलिए फिर हम लोग अभी ब्रिज पे जाते हैं, हम लोग देखते हैं अभी कैसे पकड़ते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो राइट नाउ मैं सागरधर के ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ, एंड यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड मेरे पीछे सागरधर में अज़ान हो रही है, काफ़ी खूबसूरत आवाज़ है एंड काफ़ी अच्छा लगता है जब गाँव में अज़ान होती है। एंड मैं आया हूँ यहाँ पर एक आपको टेक्निक बताने के लिए फ़िशिंग की, एंड ये फ़िशिंग की टेक्निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। एंड यहाँ पर जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो मुझे अपने छोटे सब्सक्राइबर मिले, ये बाजिल सागरगर, एंड इसने भी वीडियो बनाया यूट्यूब पे। कती वीडियो बना रहे बाजिल? अच्छा, इसने एक वीडियो बनाया, तो आप जाके देखो इसकी वीडियो, बाजिल सागरकर नाम टाइप करो यूट्यूब पे और जाके देखो। छोटा यूट्यूबर है, इसको इंस्पायर करो, बच्चा लोग इसको इंस्पायर करो, मैं करो करना। तो चलो अभी हम लोग वीडियो बगतु ना, तो मावरा कैसे धरता थे बगू जी अपन सर, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे साथ इलियास भाई सागरधर के ब्रिज के ऊपर मच्छी पकड़ रहे एंड यहाँ पे एंकरिंग कर रहे हैं, एंड ये रॉड का वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, हाथ से करते हैं। ये भी क्या है वो? ये एंकर है। हाँ, ये एंकर है ना, ये पीड है। हाँ। ये चावल का बनता है, चावल का बनता है। हाँ। इससे अच्छा अपना शेरा आता है, शेरा मछली। हाँ, मछली बोयर मछली। और सिर्फ बोयर ही मिलता क्या? बोयर ही मिलता अभी। और ये लगाने का ये ना, ये ऐसा है, इसको ये एंकर है, ये रिपीट ऐसा लगाने का। हाँ। ऐसा लगाने का। हाँ। अच्छा, ये दूसरा लगा रहा हूँ, ये ऐसा लगा कि फिर। हाँ। उसको ये हुआ। हाँ। एक ही मच्छी आती है उसको? हाँ, एक आती है, कभी कभी दो आती है। अच्छा, जो मच्छी रहती है इसके ऊपर रहती है। आप देख सकते हो, आप ये फेंक रहे क्या? हाथ से ही पकड़ रहे हो, ट्रेडिशनल टेक्निक। आजकल के जमाने में रॉड वगैरह यूज करते हैं ना, बड़ी मछली पकड़ने के लिए वो रॉड वगैरह यूज करते हैं, लेकिन ये जो तरीका आप देख रहे हो ये आके मतलब बरसों से चला आ रहा है। अभी हम लोग देखते हैं इनको कुछ मछली वगैरह मिलती है या नहीं, अभी हम लोग देखेंगे, अभी रुकेंगे कुछ देर और। काफी खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हो। फैजान भाई को मछली है, कौन सी मछली है? अरे बाप रे, काफी खूबसूरत है मछली। जो कांटा वगैरह लगता है ना इसका, काफी ज्यादा पॉइजनस है मछली, अगर इसमें कांटा वगैरह लग गया तो काफी मतलब प्रॉब्लम होता है, उंगली वगैरह सूज जाती है ना इससे। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है लेकिन वो डेंजरस भी है बहुत, अगर ये आता है तो लोग इसको हाथ लगाने से डरते हैं। काफी स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे लोग। चारा फेंके के बाद भी मच्छी इनको नहीं मिली, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं आप देख रहे हो, कितनी मेहनत की मच्छी पकड़ नहीं मिली क्या भाई? मच्छी थोड़ा सबर रखना पड़ता है मच्छी में, ऐसा ही है मतलब सबर होना चाहिए। हाँ, लेकिन पानी भी बोलते मतलब कम है ना वो। हाँ, इसको हम लोग ओटी बोलते हैं और क्या उसको जवार बाटा हिंदी में बोलते, हाई टाइट लो टाइट, पानी कम है खारी का आप देख सकते हो। इनका ऐसा मानना है कि अगर जब पानी अगर ज्यादा हो गया तो शायद मच्छी आ सकती है।
फैजल भाई को मच्छी आई। फैजल भाई को मच्छी है। फैजल भाई को कहा फाइनली मच्छी मिल चुकी है यहाँ पे। आप बड़ी रात का इनकी मेहनत जो है रंग लाई। मतलब कितने कितना टाइम हुआ है फैजल भाई इधर आके? 5 मिनट हो गए। 5 मिनट में मच्छी आई। ये देखिए मच्छी, इससे ज़्यादा फ्रेश मच्छी आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी, सिर्फ साकाचर में मिलेंगे आपको ब्रिज पे। काफ़ी खूबसूरत मच्छी है, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे हाथ में पकड़ के यहाँ पे। हाँ क्या हाँ हाँ अल्ताफा है, पकड़ रहे हो हाथ में? ऐसे देखने के लिए पकड़ो पकड़ो हाथ में। जा रहे हो क्या घर पे? हाँ जा रहे हैं। कितना मच्छी मिला तुमको? अभी एक दिन है बच्ची, मुझे बहुत कंटा आ रहा है सुबह में जा रहा है। अच्छा तो बाद में आने वाले हो ना? कल तुमने कितने निकाले थे मच्छी? कल 15 आए थे। 15 मतलब बोयर आए थे? बोयर। और सलमान भाई तुमको कितना आया था? और अरबाज भाई तुमको कितना? हमारी इतनी की टीम है, हम तीनों एक साथ घर आते हैं, पैसा बांट के लेते हैं। पैसा बांटते नहीं, कभी जाते हैं घूमने जाते हैं। अच्छा घूमने जाते हैं, वागली है। वागली है वागली। अगर वागली आपको नहीं पता तो वागली बहुत बड़ी मच्छी होती है जो आमतौर पर समंदर में मिलती है। ये जो मच्छी आप पकड़ रहे हो, ये आपको मतलब पकड़ने की कोई टेक्निक हमसे कोई शेयर करेंगे तो अच्छा होगा? हाँ, ये मच्छी है ना, ये बहुत चालाक रहती है। चालाक रहती है? ये बाकी मच्छियों की तरह चारा खा के भागती नहीं है। अच्छा। बल्कि उसको आहिस्ता से इस चालाकी से खाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपका ध्यान नहीं है तो। अच्छा। और ये खाते वक्त इसको खींचेंगे तभी आती है। अच्छा अच्छा, नहीं तो ये नहीं आएगी। अच्छा, अपने आप नहीं आती बाकी मच्छी। और सिर्फ चारा जो आप यूज कर रहे हो ना, सिर्फ एक ही चारा मतलब इससे ही आती क्या? चावल के आटे से? चावल के आटे से ज्यादा आती है। ज्यादा आती है? गेहूं के आटे से भी आती है, लेकिन बहुत कम आती है। और एक मच्छी अबरार भाई को। कितने वाला है भाई, कितने वाला है? 150 वाला। इसमें रख रहे बिकॉज वो वहाँ पे होल है, वहाँ पे वहाँ से गिर जाते, इसलिए ये सेफ रहता ना। और एक अपराध को भाई और एक मिला, भी मीडियम साइज का है, ज्यादा बड़ा नहीं। ये कितने वाला है? ये 50। 50 अच्छा रिपोर्ट है भाई दे। और ये अपने दुबेर भाई, दुबेर भाई को कितने मिले भाई नीचे? एक आप भी भरे ले आ गया, देख सकते हो जो नीचे थे ना उनको मिले। भाई रुको, अभी फेंकता, अभी देखता हूं, इंशाल्लाह पकड़ूंगा अभी। रुको, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर।